देख सकते हैं किस हिसाब से जा रहा हूँ नीचे। बुक करते हैं स्टार्ट, बने रहे हमारे ब्लॉग में। आज आपको पूरे दिन का रिव्यू दिखाते हैं, जो भी है आपको दिखाते हैं। गाड़ी फंसती है, ग्रेटर चलता है, डंपिंग होती है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, तो बने रहें। तो गाइस सूरज देव निकल चुके हैं, हमारी मशीन है। तो मैं आ चुका हूँ साइड पे और यहाँ हमारी चल रही डंपिंग, आप देख सकते हैं। इधर ये गाड़ी खड़ी हुई इंतज़ार में, वो खाली होगी। ये CDS की जा रही फ्लैश डाल के, और ये निकलेगी वो आएगी, फिर होती है इधर डंपिंग, आप देख सकते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइज ये लाइन हमारी हो चुकी है पूरी, आप देख सकते हैं वहाँ तक। ये गाड़ी हमने यहाँ डलवाई है, यहाँ गैप था। ये गाड़ी एक दिन पलट गई थी, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन भी ऐसी हो रही है। इधर से उधर शीशा टूटा हुआ है। ए गाइस तो मोबाइल हो चुका ख़राब और मैं आया हूँ मोबाइल सही करवाने के लिए। अभी रास्ते में जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मार्केट, और फिर आपको दिखा दें। अच्छा तो गाइस आ चुके हैं और देख सकते हैं पिंचर लग रहा है बाइक में। फिर जाएंगे गोहाना और दिखाते हैं आपको। इसका हमारी मोटरसाइकिल हो चुकी है रेडी और हम निकल रहे हैं अब गोहाना के लिए। ये ब्रिज गोपाल का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इसमें मैं था पहले, लेकिन मैंने छोड़ दिया। हरिओम भाई मिले नहीं, इधर बता रहे थे यार कि 43 पे हूँ। चलो कोई बात नहीं है, वो नहीं है तो आ चुके सोनीपत में। आज पूरा ब्रिज गोपाल का प्रोजेक्ट हमने सर्वे कराया दोनों भाइयों ने, सचिन भाई भी साथ में ही हैं, बाइक चला रहे हैं।
गाइस, तो ब्रज गोपाल का जो प्रोजेक्ट है वो यहीं तक लास्ट है। ये मूर्थल पड़ जाता है इधर, ये रास्ता जा रहा है सुखदेव के लिए, जो मूर्थल का बहुत फेमस ढाबा है उसके लिए ये रास्ता गया हुआ है। और ये अंडरपास, ये दिल्ली हाईवे है जिधर को हम बाइक अपनी मोड़ने जा रहे हैं। ये सुखदेव और धर्म गरम रह गए पीछे। हम आ चुके अपनी दूसरी साइड पे, ये है रेत की खनन जो हमारे साहब की है। अब देख सकते हैं इसका हम लेवल उठा रहे हैं, ये ऑटो लेवल लग रही है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया हूँ, काफ़ी ऊंची हाइट है। उधर लेवल ले रहे हैं, ये देख रहे हो पूरा यार, उतरने के लिए बहुत भयंकर सीन है ना हाइट से। आप हाइट देख सकते हैं और मेरा उतरना देख सकते हैं भैं, आप देख सकते हैं मैं किस हिसाब से जा रहा हूँ नीचे। ऊंचा रहा नीचे उतरना, लेवल लिया था तो ये हरियाणा में 2 किले बोलते हैं, पूरे 2 किले निकला यहाँ के, निकाले जाएगी क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी बनेगी इस ढेर की। और इधर बड़ा ढेर है पीछे उसकी, उसी के हिसाब से अंदाज़ा लग जाएगा कितना रेत है यहाँ पे, कितनी गाड़ी निकल जाएंगी आप देख सकते हैं। तो गाइस, तो मैं फ़ोन के लिए आया था सही कराने के लिए, फ़ोन मेरा अभी सही नहीं हो पाया क्योंकि हम आगे दूसरी साइड पे आने के कारण यहाँ पे हमने करा काम, लेवल लिया। लेवल लेने के बाद में मतलब यहाँ काफ़ी रात हो जाएगी हमें निकलने में, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर रहा हूँ। तो आज हमने एक चीज़ और, आज ब्रज गोपाल का कितना प्रोजेक्ट हुआ है कितना नहीं हुआ है ये भी मैंने वीडियो में आपको दिखाया। तो लाइक कमेंट शेयर, जय हिंद, वंदे मातरम।